जब तक वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंस्पेक्टर्स रजिस्टर्स उन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो विंडो में से दिखने वाली दुनिया ही उनकी अपनी रहेगी। खिड़की में से जो दुनिया दिख रही है ना, वही उनकी अपनी रहेगी। एंड दीज विंडो दैट शट अप ऑन देयर लाइव लाइक कैटाकॉम्ब। और वो खिड़कियां मतलब वो जो विंडोज है वो क्या करेंगी, उनकी लाइफ को बिल्कुल शट अप और मतलब बंद कर देंगी। किस चीज के लिए? लाइक कैटाकॉम्ब, जैसे कि तहखाने में कब्रें बंद हो जाती है ना, ऐसे ही उनकी जिंदगी भी वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तहखाने के अंदर जो हम कब्र रख के उसको बंद हो जा वो जो ताबूत हो बंद हो जाता है, तो कब्रें बिल्कुल बंद हो गई वहां पर, वैसे ही उनकी लाइफ भी अगर उनपे ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ उन विंडो की तरह ही रहेंगी। वो वहीं पर ही जिंदा, वहीं पर ही रहेंगे, वहीं सरवाइव करेंगे और उसके बाद वहीं पर ही वो मर जाएंगे, तो वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे अगर उनपे ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या जरूरी है उनके लिए? ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन। हमें क्या करना चाहिए? ब्रेक मतलब उनको तोड़ना चाहिए। क्या तोड़ने चाहिए? उनके बैरियर्स, उनको दिखानी चाहिए वो दुनिया, उनकी वो विंडो तोड़नी चाहिए हमें, उनको बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वो हमारे, इससे पहले कि वो हमारे शहरों को तोड़ दे, मतलब जब तक इतना ये नहीं कि वो विस्तृत हो जाए, बढ़ जाए, उनका आकार बढ़ जाए, स्लम एरियाज ही डेवलप होते जाए, जब तक वो हमारे शहर को ना खराब कर दे, उससे पहले हमें क्या करना है? उन लोगों को शिक्षित करना है, उन पे ध्यान देना है। देन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। उन बच्चों को वो हरे खेत दिखाने हैं, ग्रीन फील्ड्स दिखाने हैं। कहने का मतलब क्या है? ग्रीन फील्ड उनको कैसे दिखाएंगे? उनको हम उनकी नॉलेज देंगे, बताएंगे उनको कि ऐसी भी जगह है, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उस दुनिया को जहां पर वो हरे खेत है, हरे भरे खेत है, उस दुनिया को उनकी दुनिया बनाएंगे। रन अज्योर ऑन द गोल्ड सैंड, उनको आजादी देंगे कि वो खुले आसमान के नीचे उस चमकते हुए रेत के ऊपर चल सके, मतलब ओशियन एरिया, जो सी एरिया है, बीच के आसपास, वहां पर क्या होता है? रेत चमकती रहती है। तो वो कह रहे हैं कि उनको इतनी आजादी देनी है कि वो खुले आसमान के नीचे उस चमकते रेत के ऊपर चल सके। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो जुबान है वो बुक के अंदर घूमे, मतलब उनको उन किताबों की नॉलेज देनी। कौन सी किताबों की? द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, जो उन हरे और सफेद पन्नों के ऊपर लिखी हुई है, उन किताबों की नॉलेज देनी है। ठीक है, उन किताबों के अंदर जो लीजेंड्स है, जो बड़े लोग हैं, जो फेमस पर्सनालिटी है, उनके बारे में बताना है। वो जो वहां पर बिल्डिंग्स है उनके बारे में बताना है, वो शहर है उनके बारे में बताना है, मतलब उनको नॉलेज देनी है कि ये जो बुक्स है इनको आप पढ़ो, इनको आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी दुनिया से अलग भी एक दुनिया है जहां पर आपको अपने आप को डेवलप करना है, जहां पर आप अपने आप सक्सेसफुल होंगे। तो उनको ये नॉलेज देनी है हमें, उन बच्चों को। एंड हिस्ट्री दे आर हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी लास्ट जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री वही बनाते हैं, इतिहास उन्होंने रचा है जिनको अवसर दिए गए, ठीक है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, तो इतिहास वही लोग रचते हैं, उन्हीं के उन्होंने ही इतिहास बनाया। तो उनको यानी कि उन बच्चों को उस सब चीज की हमें नॉलेज देनी है कि किस तरीके से जो क्या है हमारे जो बुक्स है वो क्या है, वो उनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है, उनके थ्रू उनको ज्ञान मिलेगा, और जब उनको ज्ञान मिलेगा तो वो अपने आप उस दुनिया की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और स्लम एरिया धीरे धीरे हमारे उसमें से अर्थ के ऊपर से खत्म होते जाएंगे। ये स्लम एरिया जो है ये उन बच्चों की जिंदगी को वहीं पर ही दबा देते हैं, मतलब ना तो वो डेवलप होते हैं ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो एरिया किस तरीके का है, और हम उसको कैसे मतलब हम उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उनके अंदर इग्नोरेंस है, उस इग्नोरेंस को खत्म करना है और उन बच्चों को ये सिखाना है कि इस दुनिया से अलग भी दुनिया है जिसे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। उस दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होके चोरी करना नहीं सिखाना, उनका ज्ञान देना है ताकि वो उस दुनिया को अपना सके और वो दुनिया उनको अपना सके, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंट जो है वो एक सीख, एक लेसन देके जाता है कि
इतिहास उन्होंने ही रचा है जिनको अवसर दिए गए। अब हमें उन बच्चों को अवसर देना है ताकि वो भी हिस्ट्री का एक पार्ट बन सके, वो भी कुछ ऐसा कर सके कि जो दुनिया के अंदर उनका भी नाम अमर हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारी पोएम का लास्ट पैराग्राफ जिसमें पोएट हमसे अपील कर रहा है। क्लियर? और कुछ डाउट किसी को? नो डाउट? और किसी कोई डाउट नहीं है? बाकी सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए? नो नो, क्या डाउट क्लियर हो गया? डाउट है नहीं? डाउट है ही नहीं? चलो चलो तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट पोयम, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट तो हमने अभी किया, ये रिसेंटली 1 month ही हुआ है, तो उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। सो कीपिंग क्वाइट हमने पहले भी किया हुआ है। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? एकदम चुप हो जाना। ठीक है, देखो कहीं पर भी कोई बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या होगा? अगर उनमें से एक एक चुप हो जाएगा तो दूसरा कितने टाइम तक बोलेगा? थोड़े टाइम तक वो अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि ये ना बोल के मेरी इंसल्ट कर रहा है, और अगर मैं इसके सामने बोलूंगा तो क्या होगा, मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, तो इसलिए वो अपने आप चुप हो जाता है। तो किसी भी बहस का, किसी भी लड़ाई का अगर अंत करना है तो उनमें से एक को चुप कर दो और लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई आपसे बोलते जा रहा है, लड़ाई करता जा रहा है, तो वो लड़ाई बातों से चलते चलते लड़ाई कैसे पहुंच जाती है? मारपिटाई तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते बोलते ही चुप हो जाए तो कहां तक वो लड़ाई बढ़ेगी? अपने आप खत्म हो जाएगी वो लड़ाई। तो यहाँ पर पोएट जो है वो लड़ाई को खत्म करने का ही वो रखता है मैटर। उसको उसको क्या लगता है कि सिर्फ चुप रहना ही एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम पूरे जो वर्ल्ड है उसको एक लेसन दे सकते हैं कि चुप रह के हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम चुप रहे तो हमारे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, हम ये भी देख पाएंगे कि गलती किसकी है। आप कभी भी देखना, जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्से में आपको ये नहीं पता होता कि हाँ गलती मेरी भी तो हो सकती है। हम उस चीज को नहीं माइंड करते, हमें क्या लगता है कि हमारे सामने वाला गलत है, उसने इस तरीके से बोला। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए शांत होंगे तो हमें रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी तो है, हमने भी तो कुछ बोला, तभी तो सामने वाले ने और भी कुछ बोला। तो पोएट जो है वो एक एंटी वॉर पोएट है। यहाँ पर व्हाट अमृता, वांट टू से समथिंग? तो हम उस टाइम पे समझ जाएंगे कि गलती कहीं ना कहीं हमारी भी तो है। आप कभी भी देखना, लड़ाई के बाद अगर आप शांति से बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़ाई टल भी सकती है, जरूरी नहीं था उसका जवाब देना। अगर हम चुप रहते तो सामने वाला कहां तक बोलता? तो हमारा जो पोएट है वो एक एंटी वॉर पोएट। ठीक है, वो नहीं चाहता। वैसे तो मेनली जितनी भी हमारी पोएट्री है के अंदर वो यही चाहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, क्योंकि ये जो पोएम्स लिखी गई है, ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये आफ्टर वॉर की है, लड़ाई के बाद की पोएम्स है। और वॉर में सबने बहुत डिस्ट्रक्शन देखा है, बहुत बर्बादी देखी है। उस बर्बादी को देखने के बाद उन्होंने ऐसे लिखना शुरू किया ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि लड़ाई हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो। और जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनका एक ही सोल्यूशन बताया है पोएट ने, दैट वी शुड बी कीप क्वाइट। हमें एकदम चुप रहना चाहिए। ठीक है, चुप रह के हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि चुप रह के हम ये देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण क्या है, मतलब हम लड़ रहे हैं तो किस रीजन से लड़ रहे हैं, ठीक है, और क्या कारण है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, ये सब कुछ हम चुप रह के ही समझ सकते हैं। अगर हम बोलते रहेंगे, लगातार लड़ाई करते रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखेगा यहाँ सामने वाले ने बोला है तो हमें सिर्फ उसका जवाब देना, ठीक है। तो जवाब देने से कभी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन, हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है। सामने वाले को रियलाइज कब होगा, जब हम चुप बैठेंगे, उनको ये लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये तो चुप बैठे हैं, इसका मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बराबर बोलते रहेंगे तो बात आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पोएम को हम शॉर्ट में ही कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल हम इसकी कर चुके हैं। सो लेट मी सी पीडीएफ इफ इट इज देयर ऑर नॉट। इट्स अ पेन नेम, पेन नेम का मतलब क्या होता है, जब उसने पोएम्स लिखना शुरू किया उस टाइम पे जो उसने नाम रखा था, दैट इज पाब्लो नेरुदा। एक्चुअल नेम उसका क्या था, नेफ्ताली रिचर्डो रेस बसाल्टो, इट इज हिज ओरिजिनल नेम। उसने अपना नेम शॉर्ट करके क्या रखा, पाब्लो नेरुदा, व्हेन ही बिकेम फेमस फॉर हिज राइटिंग, वो फेमस हो गया अपनी राइटिंग के लिए, देन ही डिसाइडेड टू चेंज हिज नेम और उसने अपना नाम पाब्लो नेरुदा रखा। सो बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चे, नेरुदास पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस व्हिच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। मींस हम ये देख रहे हैं, हमने ये पोएम पहले भी पढ़ी है, इस पोएम के अंदर हमने क्या देखा है, दैट ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी सिंपल, नॉट इवन अ सिंगल डिफिकल्ट वर्ड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, इट्स रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट, दिस इज द रीजन व्हिच मेक्स इट ब्यूटीफुल। सिंपल राइटिंग हमेशा अच्छी होती है, अच्छी क्यों होती है, क्योंकि वो इजीली समझ में आती है। तो पोएट का यही मानना है दैट ही वुड राइट इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट द रीडर वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग। अगर बहुत डिफिकल्ट होता है तो हम भी नहीं रीड करते हैं। आपने देखा होगा हम कौन से पोएम्स या फिर कौन से चैप्टर्स रीड करते हैं, चैप्टर्स हम वो अच्छे से रीड करते हैं जिनमें हमें लगता है कि कहानियां है, स्टोरीज है, राइट। पोएम्स हमें वो रीड करनी अच्छी लगती है वेयर वी हैव सिंपल वर्ड्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। डिफिकल्ट लैंग्वेज किसी को ना लिखना अच्छा लगता है एंड नोबडी वॉन्ट टू रीड इट और लिसन इट, सुनना और लिखना भी अच्छा नहीं लगता हमें। तो इसलिए पाब्लो ने क्या लिखा है, सारी पोएम्स अपनी सिंपल राइटिंग में लिखी है और वही सिंपलिसिटी ही उसकी क्या है, ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। उसके बाद ही वो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1971 में उसको नोबेल प्राइज मिला उसकी लिटरेचर के लिए। एंड इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन। इस पोएम में वो क्या कहना चाहता है कि हमें क्या होना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब चुप रह के वार्तालाप को खत्म करना है, हमें चुप ही रहना है, कोई भी कन्वर्सेशन बातचीत हो रही है वहां पर चुप रह के उस सिचुएशन को देखना है। इससे क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लोग एक दूसरे को समझेंगे। हम चुप रहेंगे थोड़े टाइम तक तो हमें समझ में आएगा कि हमारी गलती क्या थी, किस वजह से ये बहस हो रही है, सामने वाला चुप होगा तो उसको समझ में आएगी कि हाँ कहीं ना कहीं गलती मेरी है, तो
इसमें पोएट क्या कहना चाहता है कि अगर लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, दूसरे को समझना है, तो हमारा चुप रहना बहुत जरूरी है अमंग ह्यूमन बींग्स. इंसानों के बीच में यही प्रॉब्लम है, एनिमल्स नहीं करते राइट. एनिमल्स तो है वो अपने आप शांत हो जाते हैं, इंसानों को आप शांत करते रहो करते, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को ये क्या नहीं करना चाहता, इंफीरियर नहीं दिखाना चाहता कि मैं उससे पीछे हूँ, नहीं, हर कोई एक दूसरे से सुपीरियर बनना चाहता है. और इस सुपीरियर बनने की दौड़ में हम अपनी ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं. ठीक है, हर कोई क्या चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़े, एक दूसरे से ज्यादा सक्सेस मिले. इसका मतलब क्या है, सक्सेस के चक्कर में हमने क्या कर दिया है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना छोड़ दिया है. भाई हम एक दूसरे के लिए नहीं है अब, ना कोई हम हमारे लिए कोई अवेलेबल होता है टाइम पे, ना हम किसी के लिए अवेलेबल हो पाते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दौड़ में शामिल है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अर्न करना है, पैसे कमाने हैं. हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते, हम फ्यूचर के लिए सिक्योर करते रहते हैं राइट. फ्यूचर के लिए सिक्योर करते करते बहुत गलतियां भी करते हैं, क्योंकि हमने पास्ट के बारे में सोचा ही नहीं कि पास्ट में हमने वो गलती की तो हमें फ्यूचर में उसको दोहराना नहीं, टाइम ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं कि शांति से बैठ के हम सोचे कि हमने ये गलती की थी तो आगे ये हुआ हमारे साथ, भविष्य में हम इसको नहीं दोहराएंगे. ये सब सोचने के लिए हम कभी भी आगे देखते ही नहीं है कि नहीं, हमें अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए. और ये एक एक इंसान गलती नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये करता है, सभी इंसान एक जैसे, सभी क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. अपने लिए जमा कर लिया, अब बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जमा कर लिया, अब उनके आगे के लिए, मतलब हमेशा ये लगा रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते बढ़ते हमारी उम्र निकल जाती है और फिर हम इस दुनिया से चले जाते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, ना तो हमने अपने प्रेजेंट को जिया, ना पास्ट से कुछ सीखा, और ना ही हम फ्यूचर को अब देख पा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के सिर्फ काम हमने कल्पना ही कर सकते हैं, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है. क्या पता हम बहुत कुछ लेकर के जा रहे हैं और वो सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्या पता हमने जितनी फैसिलिटी अवेलेबल कराई है उन फैसिलिटी को एंजॉय करने वाला ही कोई ना हो, तो फिर क्या फायदा उन फैसिलिटीज का. तो पोएट का सबसे पहले मानना ये है कि हमें पहले तो आपसी समझ से काम करना चाहिए, हमारे जो भाई बंद है हमें एक दूसरे को समझना चाहिए. ठीक है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, नहीं, हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, तभी तो हम सक्सेस कर, हमें सक्सेस मिलेगी. ठीक है, कोई भी खुशी हो, अगर हम वहां पर अकेले खड़े हैं तो वो खुशी हमारी कैसे होती है, सिर्फ लिमिटेड होती है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर उसी को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, मोमेंट्स हमारे मेमोरेबल हो जाते हैं. क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि खुशी जो होती है वो सबके साथ बांटने से बढ़ती है. और दुख अगर होता है, अगर हम दुख में अकेले बैठे हैं, हमें बहुत दुख है, हम अकेले बैठे हैं, तो क्या होगा, हमारा दुख बढ़ता जाएगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे. ठीक है, वही उस दुख को बांटने के लिए कोई साथ हो, बहुत सारे लोग हमारे दुख में शामिल हो जाए आके, हमसे पूछे कि क्या हुआ, क्या रीजन था, और वो हमें थोड़ा सा एनकरेज करे, होते ना, कंसोल करे, सांत्वना दे, तो क्या होगा, हमारा दुख कम होगा. तो दुख जो है वो बांटने से कम हो जाता है और खुशी का बांटने से बढ़ती है, लेकिन वो बांटने के लिए होना भी तो चाहिए ना कोई साथ. और अगर हम इसी तरीके से सिर्फ अपने लिए सोच सोच के आगे बढ़ते रहे तो कौन होगा हमारे साथ, कोई भी नहीं. ठीक है, पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वो उनके लिए अर्न करते हैं, बच्चे अपने लिए अर्न करते हैं तो पेरेंट्स भी अकेले रह जाते हैं राइट. तो अगर इसी यही सिचुएशन चलती रही तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा इंसान सिर्फ अकेला ही रहेगा, उसके साथ कोई होगा ही नहीं. तो पोएट यही कहना चाहता है कि हमें अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, आज जो सिचुएशन है वो कल नहीं होने वाली है, कल जो होगी वो हम आज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो क्या करना है, हमें अपने आज को एंजॉय करना है, जो भी हमने हासिल किया चाहे वो छोटी छोटी खुशियां उनको भी सेलिब्रेट करो. ठीक है, हमने कुछ खोया चाहे वो बहुत बड़ा था, उसको सबके साथ मिलकर बांटो कि भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, थोड़ा दुख कम लगेगा. अपनी प्रेजेंट की अचीवमेंट को, लॉसेस को, उन सबको आप एक बार बैठ के सोचो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, समय दो कि हम अपनी गलतियों से सीख सके और अपने आप को ये देख सके कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमने क्या गलतियां की है, हमारी क्या अच्छाइयां हैं, हमारी क्या बुराइयां हैं. अगर इंसान को अपनी अच्छाइयां और बुराइयां पता हो तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है.
तो हमें चुप रहना है, क्वाइट ये कहता है, ठीक है। अब क्लास में बैठे हो तो टीचर क्या बोलता है, कीप क्वाइट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो आपको क्या रहना पड़ेगा, चुप। क्यों? क्योंकि जब हम चुप होंगे हमारा दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत होगा तभी तो दिमाग में कुछ जाएगा, है कि नहीं? तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है। हम लगातार मैं पढ़ा रही हूँ, आप बैठे बातें की जा रही, उधर देख रहे हो, तो क्या होगा ना, यहाँ कुछ जाएगा और ना समझ में आएगा, बाद में फिर ये रहेगा हमने तो पढ़ाई। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए चुप बैठ के देखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम चुप बैठ के पोएम पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहता है अब हम 12 तक गिनेंगे और सारे एकदम शांत स्टिल स्थिर हो जाएंगे। 12 तक गिनो, 1 to 12, और एकदम स्थिर होके गिनो, शांत हो। 12 तक क्यों गिनना कह रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स हमने देखा है कुछ लोग जो है जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है वो काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 करके काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग करने से क्या होता है, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। यहाँ पर 12 जो है वो क्या शो कर रहा है, जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो 12 होते हैं, हमारे जो होते हैं मंथ्स होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो ये सब चीजें वो इसीलिए क्या कर रहा है, काउंट करने को बोल रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे फिर आप उसके बाद एकदम चुप और स्थिर हो जाओ। For once on the face of earth, पर एक बार, मतलब एक बार के लिए इस अर्थ के ऊपर, let not speak in any language, हम कोई भी लैंग्वेज ना बोले। लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा हमारी कन्वर्सेशन में बैरियर्स होते हैं, ठीक है, बाधाएं होती है। जितनी भाषाएं हम बोलते हैं उतनी हमारे बीच में कन्वर्सेशन गैप आते हैं, राइट। अगर हम हिंदी बोलते हैं, हमारे सामने कोई मराठी बोलने वाला आ जाए, उसको हमारी हिंदी समझ में ना आए और ना हम उसकी मराठी समझ में आए, तो बातचीत कहाँ बढ़ेगी, कहीं नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और अगर वो कुछ बोले हमें लगे कि शायद कुछ गलत बोल रहा है, हम कुछ बोले उसको लगे कि ये हमें गलत बोल रहा है, तो वैसे भी क्या होता है, बैरियर्स हो जाती है। लैंग्वेज हमेशा हमारे लिए एक बैरियर्स है। आप यहाँ से किसी अदर कंट्री में जाओ तो क्या होगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वहां पर ये देखोगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको समझ में आएगी नहीं और इंग्लिश आपको आती नहीं, तो आप कैसे कन्वर्सेशन करोगे। तो भाषा जरूरी है, लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, लेकिन लैंग्वेज समटाइम्स बैरियर भी हो जाती है हमारी कन्वर्सेशन के बीच में। तो पोएट यही कहते हैं कि लैंग्वेज तो हमेशा क्या रही है, एक बाधा रही है, तो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, एकदम चुप हो जाता है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए हम रुक जाते हैं, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को और ज्यादा नहीं हिलाते, ठीक है। अब यहाँ पर आर्म्स का मतलब हाथ नहीं है, आर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है, हथियार, अपने हथियारों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठाते, ठीक है। हाथों को नहीं हिलाते हैं, हाथ किससे हिलते हैं, जब हम हाथों का यूज करेंगे, और यूज किस में हो रहा है, हथियार उठाने में। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि मैं 12 काउंट करता हूँ, आप एकदम स्थिर हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है। और एक टाइम के लिए इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर ना तो कोई हम लैंग्वेज बोलेंगे, राइट, और एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत चुप खड़े हो जाएंगे, एंड ना ही एक दूसरे के खिलाफ हम हथियार उठाएंगे, ना ही एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो पॉइंट ये चाहता है कि हम एक दूसरे से बिना झगड़ा किए चुपचाप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक मतलब बहुत ही खुशहाल पल होगा, वो सारे शांत स्थिर चुप होंगे तो बहुत ही ज्यादा वो खुशहाल मोमेंट होगा, विदाउट रश, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, विदाउट इंजिन, विदाउट कोई मशीन नहीं चलेगी, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये बहुत अचानक से अजीब सी बात होगी, स्ट्रेंज मतलब अजीब होगा, तो सारे एकदम से चुप हो जाएंगे तो अजीब सा लगेगा ही, क्योंकि सारे बोलने वाले और आज एकदम से चुप हो गए, अजीब तो हो ही जाएगा ये। पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशहाल पल होगा, जब कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चलता दिखाई देगा, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे एक साथ होंगे, और ये एकदम क्या होगा, अचानक सी अजीब सा पल होगा हमारे लिए, जब सारे एकदम चुप है, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट फार्म बेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड टेक सॉरी वुड लुक At his hurt hands. जो फिशरमैन है यानी कि जो मछली पकड़ने वाले, वो क्या करते हैं, समुद्र में जाके मछलियां पकड़ते हैं, तो मछली भी तो एक जीव है ना, उसके अंदर भी जान होती है, तो इट मीन्स वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो
पॉइंट कहना चाहता है कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाए, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो बेचारे नमक इकट्ठा करते हैं, तो नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथ जो है वो घायल हो जाते हैं, उनके हाथ में चोट लग जाती है, तो वो लुक एट हिज हर्ट हैंड, क्या करेंगे, क्या देखेंगे, हर्ट हैंड, अपने जो हाथ जिनपे चोट लगी, घायल हो गए, उन हाथों को देखेंगे। अगर वो शांत खड़े रहेंगे थोड़े टाइम के, तो फिशरमैन जो है, जो मछुआरे हैं, वो क्या करेंगे, उस सी के अंदर, ठंडा समुद्र है, कोल्ड सी इमेजरी है, आप सोचो उसको, ठीक है, एक ठंडा, बिल्कुल ठंडा जो समुद्र है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, वो मछली पकड़ते पकड़ते वहीं पर ही रुक जाएंगे, ठीक है, तो वो किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा जो मैन है, सॉल्ट इकट्ठा करेगा, वो आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, उनके हाथों में चोट लग जाती है, तो अगर वो रुक जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेंगे अपने घायल हाथों को, ठीक है। तो इस तरीके से पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है कि अगर हम अपने मूवमेंट्स यानी कि एक पल के लिए अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देंगे, तो मे बी बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाएगा, ठीक है, मे बी हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। अगर फिशरमैन उन फिश को पकड़ना बंद करेंगे तो वो फिश जो है वो परेशान होती है उनकी एक्टिविटी से, वो बच जाएंगी। आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ जो उनको चोट लग जाती है, अपने हाथों को देखेंगे, वो शांत हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें टाइम मिलेगा अपने लिए। तो पोएट का कहना यही है कि जब हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो क्या होता है, हर एक्टिविटी वहीं पर ही रुक जाती है, और हमारा ध्यान जाता है किस पे, अपने आप पे, अपनी एक्टिविटीज पे, हमारी एक्टिविटीज से दूसरों को कितना नुकसान और हमें खुद भी कितना नुकसान। क्लियर? So, this is the poem. Rest we will do tomorrow.